name is Faisal Yath, and today we are going to discuss Montesquieu, who is widely credited for his brilliant theory of separation of powers. This theory has been implemented in many constitutions throughout the world. As we have already seen that after the philosophies of Thomas Hobbes and John Locke, state was considered a real entity. So different philosophers tried to give different conception regarding state. So Montesquieu was one of those philosophers who tried to explain the working paradigms of state. His philosophy mainly revolves around what is the idea role of power regarding an individual and states and institutions. And in the same context, he gave the philosophy of separation of powers, which is implemented in many constitutions, like the constitution of the US and other constitutions around the world. So let's discuss Montesquieu. Firstly, we'll see कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट बुक फॉर विच ही इज नोन एज द स्पिरिट ऑफ लॉज, विच वॉज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पोलिटिकल थ्योरी, एंड इन दैट बुक ही डिस्कस्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स, विच मेनली डील्स विद हाउ टू मेक अ परफेक्ट सिस्टम विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. अगर हम मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी है उसमें दो चीज़ें बड़ी हमें विजिबल दिखाई देती हैं. फर्स्ट थिंग इज कि हाउ वन कैन ब्रिंग अबाउट इक्वेलिटी इन सोसाइटी, जिसके लिए उन्होंने अपनी कॉन्सेप्शन ऑफ लॉज जो है वो दी थी. एंड द सेकेंड थिंग इज वेन समवन इज इन पावर, ही हैज़ सम सॉर्ट ऑफ पावर, वेदर इट्स एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, हाउ वी कैन चेक दैट पावर टू अ लिमिटेड स्केल दैट इट does not harm others. So this book was magnum opus in that regard. Secondly, he wrote Persian Letters, an attack on old order. Then he wrote another book, Consideration on the Greatness and Decline of Rome. So agar hum iske background ki baat karte hain, kis background mein aapke paas Montesquieu ki philosophy ya theory aayi thi. Sabse pehle jo sabse ek remarkable change aaya tha, wo change इंग्लैंड में आया था. वहाँ पे क्या हुआ कि इंग्लैंड ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर कर दिया था. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है कि बिफोर ग्लोरियस रेवोल्यूशन और बिल ऑफ राइट्स, द एब्सोल्यूट पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ किंग. बट राइट आफ्टर बिल ऑफ राइट्स और ग्लोरियस रेवोल्यूशन, वहाँ पर क्या हुआ कि जो किंग था, किंग से पावर्स ले ली गई, और क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो गई. यानी किंग के पास आहिस्ता आहिस्ता पावर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं. दूसरी साइड पे जो इलेक्टेड चैम्बर था पार्लियामेंट, जिसमें आपका अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स था एंड द लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स था, सो उसमें क्या हुआ कि लोगों की पावर, चूंकि वहाँ पे लोग इलेक्ट करके भेजते थे, तो लोगों की पावर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी. फर्दर मोर क्या हुआ कि उसमें आपके पास इंग्लैंड जो है उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सुप्रीम होना स्टार्ट हो गया. और ये एक एक्सट्रीम थी एट द टाइम ऑफ, या जिस बैकग्राउंड जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने अपनी फिलोसफी दी थी. द अदर एक्सट्रीम वॉज जहाँ पे वो रह रहा था फ्रांस, कि वहाँ पे जो लुइस 14 था वो क्या कहता था कि आई एम द स्टेट. यानी उसने क्या किया कि लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर जो थी उसको वेस्ट किया हुआ था अकॉर्डिंग अराउंड हिज ओन पर्सनैलिटी. सो क्या हुआ कि इससे जो एक आइडिया होता है, जो बाद में जिस पे जाके वो बात भी करेगा, कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली. सो इस सिनेरियो में क्या हुआ कि आपके पास मॉन्टेस्क्यू आए, उन्होंने इन दोनों एक्सट्रीम को एक्सपीरियंस किया और अपना इन्होंने एक जो है वो फिलॉसफी प्रेजेंट की.
और इसी इन्हीं एस्पायरेशंस ने, इस बैकग्राउंड ने मॉन्टेस्क्यू को अपनी जो है वो थीरी प्रेजेंट करने में एक अहम रोल या किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने पर्शियन लेटर्स लिखे थे। पर्शियन लेटर्स में बेसिकली वो कहते हैं कि आप वर्चू इज सेल्फ रिवार्डिंग, लाइक इस इनमें हमें अरिस्टोटल की एक सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाई देती है कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ गुड स्टेट यू हैव टू बिल्ड वर्चुअस इंडिविजुअल्स। क्या आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंडिविजुअल्स को अच्छा बनाना पड़ेगा, जहाँ पे उन्होंने बताया कि पर्शियन लेटर्स बेसिकली जैसे एक इनडायरेक्ट वे था टू अटैक ऑन द ओल्ड ऑर्डर, जिसमें जो ट्रैवलर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं एंड देन बताते हैं अबाउट द करप्शन ऑफ किंग। किंग जो है वो आपके पास एक फ्लैग बेस्टर था देन जो आपके पास चर्च, आपके पास क्या हुआ कि वो करप्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द मेन फिलॉसफी ऑफ मॉन्टेस्क्यू। लाइक ऑल द अदर फिलॉसफर्स, जो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट फिलॉसफर्स थे, उसकी तरह इन्होंने भी अपनी स्टेट ऑफ नेचर से जो है वो स्टार्ट किया। ये कहते हैं कि इंसान क्या था कि मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज टिमिड एंड डल क्रिएचर। कि वो टिमिड और डल क्रिएचर था ना, वो इतना इंटेलिजेंट था एज लॉक कंसीव्ड, और ना इतना ब्रूट था जितना हॉब्स ने कहा। कि हॉब्स ने क्या कहा था कि मैन वॉज द स्टेट ऑफ नेचर वॉज ब्रूटिश नास्टी, कि वहाँ पे एवरी वन वॉज एट वॉर अगेंस्ट एवरी वन। सो मॉन्टेस्क्यू ने स्टार्ट किया, ही सेड कि मैन जो था वहाँ पे ना तो वो ब्रूटिश था और ना ही वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने अच्छा परसीव किया और इतना अच्छा निज़ाम बना लिया। तो फिर क्या था वहाँ पे? वो कहता है कि हिज मैन फॉलोड द लॉज ऑफ नेचर। कि वहाँ पे क्या था कि इनिशियली क्या था, कुछ लॉज ऑफ नेचर थे। यानी लॉज ऑफ नेचर में क्या है कि इंसान की, अगर हम नेचर की बात करते हैं, कि जब वो उसमें सारी बुराइयाँ नहीं होती, उसमें क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डू नॉट मर्डर अदर्स, यानी ऑल द नेचुरल लॉज क्या करते को वहाँ पे उनको गवर्न कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, वट हैपन्ड आफ्टर दैट विद द बर्थ ऑफ सोसाइटीज़, के दो फैक्टर्स, एन इंक्रीज ऑफ नॉलेज, कि एक साइड पे आपकी सोसाइटीज़ की बर्थ हुई, आई साइड सा पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, देन उसके बाद नॉलेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। सो मैन ने क्या किया, मैन सेट असाइड हिज टिमिडिटी एंड इक्वेलिटी एंड सॉट फॉर डोमिनियन। यानी उसने क्या किया कि अपनी जो वो कह रहा था, उसने क्या किया कि वो सेट असाइड की एंड एक वॉर ऑफ जो स्टेट ऑफ जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है। कंसिक्वेंटली अ कॉन्फ्लिक्ट बिगिन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज। कि यानी वहाँ पे क्या हुआ कि वही जिस तरह आपके पास से थॉमस हॉब्स कह रहा था, देन लॉक कह रहा था, कि यानी वो अपनी थीरी की जो बेसिस हैं, बेसिस बना रहा है कि इंसान जो है उस टाइम पे क्या था, कि इंसान टिमिड था और डल था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे नॉलेज आया, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, सोसाइटीज़ डेवलप हुई, तो मैन ने क्या किया कि उसने उसको सेट असाइड किया एंड अ स्टेट ऑफ वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें वो कहता है कि मॉन्टेस्क्यू, बेसिकली ये उसकी कोटेशन है उसकी बुक से, वो कहता है कि एनिमल्स हैव नेचुरल लॉज बिकॉज दे आर यूनाइटेड बाय सेंसेशन, दे डू नॉट हैव पॉजिटिव लॉज बिकॉज दे लैक नॉलेज। अब दो तरह के लॉज के बारे में मॉन्टेस्क्यू बात करता है। नेचुरल लॉज वो हैं जो गॉड की तरफ से या नेचर की तरफ से इनहेरेंटली ह्यूमंस में या जिसे हम लॉज ऑफ नेचर कहते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, या इसी तरह ऑल लॉज हैं वो उसी तरह मौजूद हैं। सो वो कहता है कि एनिमल्स के दरमियान क्या थी कि वो नेचुरल लॉज मौजूद थे क्योंकि उनमें सेंसेशन यानी फाइव सेंसेस के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है वो यूनाइटेड थे, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे। दूसरी तरह के पॉजिटिव लॉज होते हैं। पॉजिटिव लॉज क्या होते हैं आपके पास, जो इंसान अपनी रीज़न को यूज़ करते हुए लॉज बनाता है। सो वो कहता है कि वो एनिमल्स के पास वो लॉज नहीं थे क्योंकि दे डोंट हैव द नॉलेज, ठीक है। हाउ एवर दे डू नॉट इनवेरिएबली कन्फॉर्म टू देयर नेचुरल लॉज। कि इंसान दूसरी साइड पे क्या थे कि नेचुरल लॉज के साथ भी कन्फॉर्म नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैन एज अ फिजिकल बींग इज़ गवर्न बाय अनचेंजिंग लॉज। कि मैन जिस तरह इंसान भी चूँकि एक एनिमल है, इट इज़ गवर्न बाय अनचेंजिंग लॉज। इसने क्या किया कि लेकिन
इंसान चूंकि एक रैशनल एनिमल है या उसमें रैशनैलिटी वाला जो एक एलिमेंट है वो ज़्यादा सुप्रीम है, तो उसने क्या किया कि ही ट्रांसग्रेस्ड द लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय द गॉड, कि उसने क्या किया, जो गॉड्स ने गॉड ने वो नेचुरल लॉ वहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में मौजूद थे उसको इसने क्या किया, ट्रांसग्रेस करना स्टार्ट कर दिया। एंड चेंजेस दोज ऑफ हिज ओन इंस्टीट्यूटिंग दो अ लिमिटेड बीइंग एंड सब्जेक्ट टू इग्नोरेंस एरर ही इज लेफ्ट टू हिज ओन डायरेक्शन। सो इसने क्या कि इसके बाद क्या हुआ कि वो सारे का सारा जो लॉज बनाने का इंस्टीट्यूट करने का अपनी इग्नोरेंस एंड एरर, क्योंकि गॉड इज़ द परफेक्ट बीइंग। सो यहाँ पे हमें मॉन्टेस्क्यू की फिलोसफी में एक रिलीजियस बेंट नज़र आता है, ठीक है, कि वो जो बेंट हमें दिखाता है कि गॉड को सुप्रीम अदर कंसिडर कर रहा है एंड मैन को एक फेलेबल क्रिएचर के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है आपके पास। यहाँ से वो बताता है कि ग्रेजुअली अपनी फिलोसफी को आगे लेके जाता है एंड हमें बताता है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लॉज। ये कहता है कि एज अ सेंसिबल क्रिएचर ही इज अ सब्जेक्ट टू अ थाउजेंड इम्पीचुअस पैशंस, कि इंसान में अच्छे बुरे 1000 पैशंस हैं, उसमें ग्रीड है, उसमें सेल्फिशनेस है, उसमें ब्रूटैलिटी है, दूसरों को हार्म करने का एक पैशन उसमें मौजूद होता है। सो इसका सोल्यूशन क्या है, सच अ बीइंग माइट एवरी इंस्टेंट फॉरगेट हिज क्रिएटर, गॉड हैज़ देयरफॉर रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ड्यूटी बाय लॉज ऑफ रिलीजन। अब अक्स यहाँ पे इसने रिलीजन की जो नीड है उसको जस्टिफाई किया है एंड ही टोल्ड अस अबाउट दैट मैन चूंकि वो रैशनल एनिमल है वो ट्रांसग्रेस करता है लॉज ऑफ नेचर को, तो सबसे पहले क्या हुआ कि लॉ रिलीजन क्यों इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने अल्लाह ताला ने या गॉड ने आपके पास इंसानों को उनकी ड्यूटी रिलीजियस ड्यूटी को रिमाइंड करवाने के लिए क्या किया कि लॉज ऑफ रिलीजन जो है वो बनाए। उसके बाद सच अ बींग इज लायबल एवरी मोमेंट टू फॉरगेट हिमसेल्फ, फिलोसफी हैज़ प्रोवाइडेड अगेंस्ट दिस बाय द लॉज ऑफ मोरलिटी, फॉर्म टू लिव इन सोसाइटी ही माइट फॉरगेट हिज फेलो क्रिएचर्स। सो इसी तरह जो फिलोसफी का भी पर्पज़ है वो क्या करता है कि वो लॉज ऑफ मोरलिटी बताता है ताकि सोसाइटी में क्या हो कि आपके पास एक हैप्पीनेस रहे, सोसाइटी में एक बैलेंस रहे, सोसाइटी में अनार्की ना आए, सोसाइटी में आपके पास केओस ना आए। सो बेसिकली यहाँ पे हमें वो अपनी बुक जो उसने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी थी वहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज़ द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट मतलब होता है उसके बैकग्राउंड में चीज़ क्या है, व्हाट एक्चुअली द थिंग इज आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है लेजिस्लेटर हैव देयरफॉर बाय पॉलिटिकल एंड सिविल लॉज कन्फाइंड हिम टू हिज ड्यूटी, और इसी वजह से आपके पास जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल एंड सिविल लॉज जो हैं वो बनाए ताकि उसको उसकी ड्यूटी जो है वो रिमाइंड करवाई जा सके। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि लॉज आर द प्रोडक्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एंड इम्यूटेबल रिलेशंस ऑफ सोसाइटी। वो कहता है कि जो लॉज हैं इनको हम क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक रैशनलिज्म की फिलॉसफी चल रही थी कि हर चीज़ को आपने किसके थ्रू प्रूव करना है, रीज़न के थ्रू प्रूव करना है। ये कहता है कि जो लॉज हैं आपके पास वो कॉज एंड इफेक्ट का एक आपके पास प्रोड्यूस होते हैं एंड दे आर इम्यूटेबल रिलेशनशिप्स ऑफ सोसाइटी, कि इनको अब चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ सोसाइटी में क्या होता है कि एक सर्टन प्रॉब्लम जो है वो आती है, उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए एक प्रिंसिपल बनाया जाता है एंड आफ्टर ग्रेजुअल एक्सपीरियंसिंग दोज प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन एंड अगेन वो क्या होता है कि वो प्रिंसिपल जो है आपके पास एक इस्टेब्लिश्ड लॉ बन जाता है। इसी वजह से वो कहता है कि नेसेसिटी नॉट रीजन इज़ द प्राइम ड्राइवर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ लॉज, कि आपके पास ज़रूरत जो है वो आपके पास मेन रीज़न है क्रिएशन ऑफ लॉज की। फॉर एग्जाम्पल ये कोटेशन चेक करें जिसमें वो कहता है कि फॉर मॉन्टेस्क्यू एनी रिलेशन बिटवीन वन थिंग एंड सम अदर थिंग इज़ अ लॉ, कि कोई भी रिलेशन किसी एक चीज़ और दूसरी चीज़ के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये काम करना है, अब वो क्या काम फेयर है या अनफेयर है, फेयर है तो दैट इज लॉ उस पर क्या होगा, साइलेंट होगा, अनफेयर होगा तो मुझे क्या होगी, उस पर पनिशमेंट मिलेगी। सो दैट इज़ वाई ही टर्म दैट थिंग एज लॉ। ही इन अदर वर्ड्स टू मॉन्टेस्क्यू द वर्ड्स रिलेशन एंड लॉ आर सिनोनिमस सिंस ही कंसीव्स द होल वर्ल्ड इन ऑल पार्ट्स टू बी आर थ्रू ऑर्डर एंड रेगुलर इट्स बिहेवियर, के यानी तमाम पूरी दुनिया में एक ऑर्डर और एक रेगुलरिटी पाई जाती है जिसकी वजह से क्या है कि आपके पास लॉ और रिलेशन जो है वो सिनोनिमस हैं। क्या हुआ कि पॉजिटिव लॉज विच आर ऑफ थ्री टाइप्स कॉरस्पेंडिंग टू थ्री सेट्स ऑफ रिलेशन, वो कहता है कि पॉजिटिव लॉज जो ह्यूमन मेड लॉज हैं वो तीन तरह के होते हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज
बिटवीन अ नेशन अ नेशन, जैसे आज आप लॉज ऑफ नेशन या आप जानते हैं इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में आप उसको देखते हैं। देन उसके बाद आपके पास पॉलिटिकल लॉ है, जैसे लॉ बिटवीन रूलर एंड रूल्ड इन अ सोसाइटी, एंड देन बिटवीन इंडिविजुअल सिटीजन्स बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी, कि इंडिविजुअल के जो अपने मैटर्स हैं उनके दरमियान जो लॉ उनको रेगुलेट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सिविल लॉ। उसके बाद वो कहता है कि लॉ ऑफ नेशन जो है वो कॉमन है टू ऑल नेशन, बट पॉलिटिकल एंड सिविल लॉज क्या करते हैं, वेरी विद डिफरेंट नेशंस। द पॉलिटिकल लॉज हैव अ रिलेशन टू द करेक्टर ऑफ पीपल, कि जिस तरह के लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हों, फॉर एग्जांपल आज हम देखते हैं कि चाइना में एक अथॉरिटेरियन रजीम है, देन उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, कई जगहों पे डेमोक्रेसी है, कई जगहों पे अथॉरिटेरियन है, कहीं पे टोटलिटेरियन है। तो वो कहते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहा है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट का क्या होता है कि उस इंसान पे इम्पेक्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव लॉज आर मेड बाय इंडिविजुअल्स, सो इंडिविजुअल्स की जो अपनी एस्पायरेशंस होती हैं, बैक थॉट होती हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं इन मेकिंग ऑल दोज लॉज। सो ऑल्सो द सिविल लॉज मस्ट बी रिलेटेड टू टोपोग्राफी, क्लाइमेट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, रिलीजियंस ऑफ पीपल, यानी ये जो आपके सिविल लॉज हैं वो भी इन सारे फैक्टर्स पे जो कि स्पेसिफिक हैं फॉर अ स्पेसिफिक कम्युनिटी उन पे डिपेंड करता है। ऑल द वेरियस रिलेशंस इन देयर टोटेलिटी कॉन्स्टिट्यूट व्हाट मॉन्टेस्क्यू डेजिग्नेट्स द स्पिरिट ऑफ लॉज। सो ये सारा, यानी कहाँ से उसने स्टार्ट किया, स्टेट ऑफ नेचर थी, स्टेट ऑफ नेचर में जो इंडिविजुअल था आपके पास, उस वो टिमिड और डल था, लेकिन उसने क्या किया कि उन एस्टेब्लिश लॉज को ट्रांसग्रेस करना स्टार्ट कर दिया। सो पहले अल्लाह ताला ने क्या, गॉड ने क्या किया कि रिलीजन भेजा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, कि उन्होंने क्या किया कि वो एक मॉरल कोड बनाया बताया, लेकिन चूंकि सोसाइटी में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो चुकी थी, सो इससे बढ़ के भी हमें लॉज चाहिए थे। तो वो कहता है कि पॉजिटिव लॉज होते हैं जो कि दो तीन तरह के होते हैं, लॉज ऑफ नेशन, पोलिटिकल लॉ एंड सिविल लॉ, जो कि वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट, फ्रॉम इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। यहाँ से आगे चलता है, यहाँ से वो अपने दूसरे आइडिया की तरफ जाता है। वो कहता है कि लिबर्टी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो थिंग्स विच आर अलाउड बाय द लॉ। वो कहता है लिबर्टी आपके पास दो तरह की होती है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं, जब आपके पास रूसो था, तो रूसो ने क्या किया था कि पॉपुलर सॉवरेंटी के थ्रू उसने जो एक जनरल विल का आइडिया दिया था, उसमें उसने मैसेस को सुप्रीम कर दिया था, यानी उसने लिबर्टी को इक्वेट कर दिया था विद सॉवरेनिटी, यानी अल्टीमेट पावर। यानी अब हर कोई जो उस जनरल विल का पार्टिसिपेंट था, वो क्या कर रहा था आपके पास, उसको लिबर्टी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन इसने क्या किया, इसने सॉवरेनिटी को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया और लिबर्टी बताई। सबसे पहले इसने लिबर्टी की डेफिनेशन ये थी कि दोज थिंग्स विच आर अलाउड बाय द लॉ। फर्दर मोर ही डिवाइडेड लिबर्टी इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज सिविल, द अदर वन इज पॉलिटिकल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी आपकी वो होती है जिसे आप कहते हैं पर्सनल स्पेस, आपकी जो पर्सनल स्पेस है कि आप घर में क्या कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे को कोई हार्म नहीं हो रहा, यानी आपके अपने रिलेशनशिप्स हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी वो है जो आपके पास स्टेट और आपके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं जो एस्टेब्लिश हुए हैं उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि उसका जो मेन पर्पस था टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन आर सिस्टम विच बेस्ट सूट्स हिज आइडिया ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। उसने कहा कि किसी भी स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपके पास मौजूद होते हैं, वेदर इट्स लेजिस्लेटिव, वेदर इट्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच, वेदर इट्स जुडिशियल ब्रांच, उसका पर्पस ये होना चाहिए कि दोज थिंग्स विच आर अलाउड बाय द लॉ, क्योंकि लॉ क्या होता है, आपके पास एक कलेक्टिव विजडम होता है ऑफ द मैसेज, जो चीज़ें अलाउ होती हैं उनको सिक्योर करे, उन पे कोई आँच ना आने दे। द ओनली वे फॉर द लिबर्टी टू एग्जिस्ट इज वैन द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। वो कहता है कि इसका सिर्फ और सिर्फ हम इस सूरत में इसको सिक्योर कर सकते हैं कि जब गवर्नमेंट की जो पावर है उसको लिमिटेशन में रखा जाए, उस पर सर्टन लिमिटेड लिमिटेशन या चेक एंड बैलेंसेज जो है वो इम्पोज किए जाए।
इन दिस वे इट डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी क्या होती है? आपके पास द अल्टीमेट पावर टू मेक लॉज, टू एग्जीक्यूट लॉज. वो कहता है कि आप अल्टीमेट पावर अगर दे देंगे तो क्या होगा कि उसके नतीजे में आपके पास अल्टीमेटली वो करप्ट हो जाएगी, और उस करप्शन के नतीजे में जो पोलिटिकल लिबर्टी है या लोगों की जो लिबर्टी है उस पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. सो एज अ रिजल्ट क्या होना चाहिए कि हमें सॉवरेनिटी को डिस्कार्ड कर देना चाहिए. फिर उसने क्या किया कि सेपरेशन ऑफ पावर का मैं आइडिया दिया टू चेक पॉलिटिकल लिबर्टी. पावर, वो कहता है, पावर वेस्टेड इन वन पर्सन इज़ प्रोन टू करप्ट और मिसयूज़. किसी एक इंसान को जब बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं आप, जैसे ल्यूस 14 था, कोई भी मुनार्क था, वो क्या होती है, या किसी इंस्टीट्यूशन को आप बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं उस पर लिमिटेशन या चेक एंड बैलेंसेज नहीं होते. सो क्या होता है, इज़ प्रोन टू करप्ट एंड मिसयूज़. जैसे उसने बताया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है एन एग्जांपल, कि उसने कहा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में दो, एक एम्बिगुअस उसकी स्टडी थी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की. उसने कहा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो आपके पास एस्टेब्लिश हुई है उसमें एग्जेक्टिव को, लेजिस्लेटिव को एंड जुडिशियल ब्रांच को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया गया है. हालांकि वहाँ पर मोनार्क आपका एग्जेक्टिव भी था और सॉर्ट ऑफ वो लेजिस्लेटिव पावर्स में भी बनाने में हिस्सा ले रहा था. सो उसने कहा कि इसने क्या किया है कि उसको, ब्रिटेन को एक ट्रांसफॉर्म किया है इन गुड मैनर, एंड इट हैज़ इम्पोज्ड सर्टन चेक्स ऑन द अनलिमिटेड और अनफेटर्ड अथॉरिटी ऑफ सॉवरन. लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव यूनाइटेड इन वन बॉडी मे डिप्राइव पीपल ऑफ देयर पोलिटिकल लिबर्टी. देयर फॉर ही कंक्लूडेड दैट कि अगर हम लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव को यूनाइट करते हैं इन वन बॉडी, इट मे डिप्राइव ऑफ देयर पोलिटिकल लिबर्टी. और इसी तरह अगर जुडिशरी भी उसके साथ कंबाइन हो जाती है तो इट मे डिप्राइव पीपल ऑफ देयर लेजिटिमेट राइट्स. लिबर्टी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर ग्रोथ. वो कहता है कि किसी भी सोसाइटी के लिए, जैसे बेसिकली he was a great follower of Roman Empire as well as he got great inspirations from Athenian or Greek city states. वहाँ पे क्या था कि जैसे हमने Aristotle में भी पढ़ा कि वहाँ पे जो layer है, यानी to do things for the good of the state, to take part in legislative action, liberty important थी. जिस तरह स्टोटल ने भी कहा था बाद में, और इसी वजह से उसने स्लेवरी को भी जस्टिफाई किया था. सो इसने क्या किया कि लिबर्टी इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर ग्रोथ, यानी जो भी लॉज बनाए जाएं, जो भी इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, उनमें इस तरह की अरेंजमेंट लेके आई जाए कि वहाँ पे एक चेक जो है वो इम्पोज किया जाए. मॉन्टेस्क्यू कहता है कि इट इज़ नेसेसरी फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स, पावर कुड बी पावर शुड बी अ चेक टू द पावर. कि यानी हमें ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि जैसे एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज एग्जिस्ट करता है. आपके पास US में, सो वो कहता है कि पावर शुड बी अ चेक टू द पावर, कि हमें पावर को ही यूज़ करना चाहिए टू चेक द पावर. नो मैन शैल बी कंपेल्ड टू डू थिंग्स टू विच द लॉ डज नॉट ऑब्लाइज हिम आर नॉट फोर्स्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम द थिंग विच लॉ परमिट्स. कि ना तो उसे ये करना चाहिए कि जो लॉ में उसे नहीं करने के लिए कहा गया, और ना उसको रोकना चाहिए कि जो लॉ उसको परमिट करता है. द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम शुड बी अरेंज सच एज दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ चेकिंग वन पावर बाय अनदर. कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को इस वे में अरेंज करना चाहिए कि इट इज़ कैपेबल ऑफ चेकिंग वन पावर बाय अनदर, जिसमें वो बताता है कि आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो होनी चाहिए. मजीद वो आगे चलते हुए बताता है कि ऑन द अदर हैंड दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड मिस यूज ऑफ पावर कैन बी रिस्ट्रेन बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एंड बाई द रूल्स बाई दो मेन नो मेन स्टेडी आइडियोटोपिन. वो कहता है कि कोई भी आइडियल सिस्टम जो है, ये नहीं होता कि हम कोई आइडियल्स बना लें कि फलां ऐसा नहीं करेगा. यानी ही वॉज अ रियलिस्ट फिलासफर. उसने क्या किया कि उसने कहा कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज ऐसे बनाएं कि जो क्या करें कि जो पावर की करप्शन है उसको ख़त्म करें. ठीक है ना, ये आप कह दें कि बजाय इसके कि बातें करने के कि ओके दीज आर द आइडियल थिंग, चूंकि ये आइडियल थिंग है, ये इंसान इस तरह नहीं करेगा, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि उस पावर पे एक चेक का काम जो है वो करें. सो इसी वजह से मॉन्टेस्क्यू लाइक ग्रीक्स हेल्ड दैट द करेक्टर ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ द मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंसेज. कि जिस तरह का किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइन करता है उस स्टेट के लोगों की थिंकिंग पैटर्न्स को, उनके बिलीफ सिस्टम को, ईच एंड एवरीथिंग. बिकॉज उन्होंने क्या क्या किया होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिकली एक कंपोजिट मिक्सचर होता है ऑल द लॉज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड सिविल डोमेन. सो इस वजह से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो
एसेंस है वो हमें बताती है कि वो किस तरह एक स्टेट जो है वो रन हो रही है. देयरफॉर मॉन्टेस्क्यू स्टार्टेड हिज वर्क विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम बाद में भी देखते भी हैं, देयर नेचर एंड देयर रूल्स, फॉर ही कुड असर्टेन दिस, देन द रूल्स वुड फ्लो देन एज फ्रॉम देयर सोर्स. वो कहते हैं कि जिस तरह के आप उसमें रूल्स बना देंगे, इनिशियली आपने रूल सेट कर दिया कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, तो वो जो बाद में जितने भी रूल्स आपके बनेंगे वो डेमोक्रेटिक होंगे. अगर उसमें आप अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज को रख देते हैं, तो बाद में जितने भी रूल्स आपके पास बनेंगे वो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी के होंगे. ये इस तरह उन्होंने बताया था जी, लेजिस्लेटिव ब्रांच होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव ब्रांच होनी चाहिए एंड जुडिशल ब्रांच होनी चाहिए, जो कि एक सेपरेशन ऑफ पावर के आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है. सबसे पहले वो कहते हैं कि आपके पास तीन तरह की पावर्स होनी चाहिए, या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव होनी चाहिए आपके पास. देन आपके पास वो कहता है कि अगर इसमें से ये सारी पावर्स किसी एक के पास होंगी, चाहे वो जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव है, तो आपके पास क्या होगा कि जो मॉडरेशन है, कि किसी भी सोसाइटी में जस्ट लाइक एरिस्टोटल के, जिस तरह उसने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन बड़ा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, कहता है कि अगर वो होगा तो हम या तो एक एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, जो कि उस टाइम पे उसने देखा कि फ्रांस में चल रहा था, एक मनार्क जिसने सारी पावर्स जो हैं वो अपने हैंड में कंसंट्रेट की हुई थी, या हम दूसरी साइड पे चले जाएंगे, जो कि रूसो की एक असर्शन थी कि पॉपुलर सवरेंटी हो, सारे लोग जो हैं वो उसमें क्या करें कि हिस्सा लें आपके पास. सो सबसे पहले आपके पास लेजिस्लेटिव होना चाहिए, जो लेजिस्लेट करे ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल विल. देन उसके बाद आपके पास एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर करे ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल विल. जुडिकेचर होना चाहिए, जो क्या करे कि अल्टीमेटली आर्बिट्रेटर हो. द पावर्स ऑफ ऑल थ्री एंड पॉसिबिलिटी ऑफ देयर अपहीवल्स लॉज आर गार्डियन ऑफ द लिबर्टी, कि यानी इनकी जो पावर्स हैं, कि हमने जैसे पहले देखा था कि पावर्स करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, और इनका जो लॉज को अगर ये ख़त्म करते हैं तो क्या होगा कि वो बताएंगे कि हमारे यहाँ कितनी लिबर्टी जो है वो प्रिवेल कर रही है. उसके बाद इन्होंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दी थी, इन्होंने बताया था कि किस तरह लॉज के मौजूद हैं और किस तरह एक आपके पास पर्टिकुलर जो है वो गवर्नमेंट मौजूद है. वो कहते हैं कि तीन तरह की गवर्नमेंट होती है. एक आपके पास रिपब्लिकनिज्म होती है, जिसमें वर्चू यानी गुड और बैड, कि जिस तरह उसने स्टार्ट में कहा था कि बाय डूइंग गुड टू अदर्स अल्टीमेटली यू आर डूइंग गुड टू योर सेल्फ, यानी एक सोसाइटी अच्छी उस टाइम पर बनती है जब सारे लोगों में वर्चू जो है वो सुप्रीम होता है. देन उसके बाद वो कहता है मोनार्कल फॉर्म जो होती है उसमें ऑनर होता है, यानी उसने बेसिकली एक डिवीजन हमें प्रोवाइड की थी कि हम अगर गवर्नमेंट्स को डिवाइड करना चाहें या करने कोशिश करें तो हम उसको तीन वे में कह सकते हैं. जैसे इसका रिपब्लिकनिज्म का दूसरा उसने यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी कही थी, कि गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल. देन मोनार्कियल में वो कहता है आपके पास ऑनर होता है. डेस्पोटिक जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें फेयर होता है. यहाँ पे जो जब आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की वो बात करते हैं तो हमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी दिखाई देती है, यानी क्लियरली इसने कोई भी बेस्ट सूटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो नहीं बताई थी कि जो कि सूटेबल हो फॉर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. उसमें वो कहता है कि गवर्नमेंट लॉस, जो भी गवर्नमेंट अपना ओरिजिनल पर्पस लूज कर देती है वो करप्ट हो जाती है. आपके पास बेस्ट गवर्नमेंट वो होती है जो बेस्ट एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी जहाँ पे जैसा एनवायरनमेंट है वहाँ के अगर लोगों की नीड्स को वो फुलफिल कर रही है तो आपके पास वो बेस्ट गवर्नमेंट है. देन उसके बाद लॉज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल है, और लॉज अच्छे किस तरह बताए जा सकते हैं कि आप जो है वो सुप्रीम एम्फोसिस एजुकेशन पर रखें, कि एजुकेशन के थ्रू क्या करें आप इंडिविजुअल्स को ट्रांसफॉर्म करें और उनको ट्रेन करें, जैसा एरिस्टोटल ने आपके पास कहा था कि उनको वो हैबिट्स उनमें डेवलप करें कि वो जाके एक अच्छे आपके पास इंडिविजुअल या सिटीजन बन जाएं और सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें. देन अगेन वो कहता है लॉज आर असेंशियल. देन लॉज जो हैं वो आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी स्टेट में, किसी भी गवर्नमेंट में क्रूशल है. ये उन्होंने जी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई थी. सबसे वो पहले कहते हैं रिपब्लिक्स, लोगों की हुकूमत, पीपल्स गवर्नमेंट दो तरह की हो सकती है. डेमोक्रेसी हो सकती है जिसमें आपके पास लोगों की द बॉडी ऑफ द पीपल विच पोजेस सुप्रीम पावर. एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, जिसमें सुप्रीम पावर होती है इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल. देन मोनार्की होती है जिसमें सिंगल मैन गवर्न करता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिश लॉज आर
फिक्स वर्चू, यानी डेमोक्रेसी आपकी किसमें चेंज हो जाती है, अगर अपना ओरिजिनल पर्पस वो लूज कर देती है। तो एरिस्टोक्रेसी में मोनार्की अगर लूज कर देती है, डेस्पोटिज्म में जहाँ पे वो जो रूलर है वो लॉज यानी वर्चू सॉरी लॉज और अपने ऑनर के को साइड पर रखते हुए वो डेस्पोटिज्म यानी फेयर की बेस पे अपनी विल के मुताबिक जो है वो विदाउट लॉज एंड फिक्स रूल जो है वो वहाँ पे रूल करता है। अब दिस वाज ऑल अबाउट मॉन्टेस्क्यू। अब एरिस्टोटल और मॉन्टेस्क्यू की अगर हम बात करते हैं, इसको 18th सेंचुरी का मॉन्टेस्क्यू को 18th सेंचुरी का एरिस्टोटल भी कहा जाता है। सो इनके दरमियान चंद एक पॉइंट्स पर सिमिलैरिटी है। इन्होंने सबसे पहले बात की थी कि फिजिकल इन्वायरमेंट का इंसान की लाइफ पे, जिस तरह एरिस्टोटल ने भी उस टाइम पे यही बात की थी कि बजाय इसके कि आप प्लेटो का जो यूटोपिक एक आइडिया है उसको कंसिडर करें, आप क्या करें कि जो रियल उस टाइम पे रियल इन्वायरमेंट है, रियल इस पैराडाइम है, कि रियली आप देखें कि प्रैक्टिकल जो बातें हैं, और आप अपने इर्द गिर्द, जैसे उसने ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट की बात दी थी, इसी तरह इसने ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन ऑफ लॉज की बात दी है कि किसी भी स्टेट की जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। देन जिस तरह उसने बात की थी कि आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बजाय इसके कि आप उनको अपरूट कर दें, आप क्या करें कि आहिस्ता आहिस्ता उनको कन्फर्म, उनमें क्या करें कि चेंजेस लेके आएँ, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँ, ताकि सोसाइटी की नीड्स को वो क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। देन रिपब्लिकनिज्म, मोनार्कियल एंड डेस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे भी उनका सेम है। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की जो उन्होंने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम चीज़ होती है, उस पे भी उन्होंने बात की थी। देन उसके बाद उन्होंने जो लोकल कंडीशन की बात की थी। देन उसके बाद एरिस्टोटल और बोथ जो आपके पास मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने लॉज के करेक्टर की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, स्टेट को एक प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर इन्होंने दिखाया। देन इंडिविजुअल की जो प्रैक्टिकल नीड्स हैं उन पे बात की। देन इन्होंने एजुकेशन की बात की। बोथ जो थे वो रियलिस्ट फिलोसोफर थे, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, स्टिल बोथ आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आपके पास जो फिलोसोफर हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल फिलोसफी। जैसे प्रोफेसर डनिंग साहब की एक कोटेशन है जिसमें कहते हैं, द मेथड अप्लाइड बाय बोथ मॉन्टेस्क्यू एंड इन द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ दैट एरिस्टोटल, कि यानी जो दोनों ने मेथड अप्लाई किए थे दोनों के सेम थे, ठीक है जी। हेंस ही मे बी जस्टली रिगार्डेड एज एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी। अगर हम इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले ही वॉज अ रियलिस्ट फिलोसफर, कि यानी आज आप देखते हैं US पे, UK पे, उसके बाद फ्रांस पे और इवन पाकिस्तान में, कि जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का जो आइडिया है वो एग्जिस्ट करता है, या फिर पॉलिटिकल लिबर्टी, लोगों की लिबर्टी की जो बात, लॉज की जो बात होती है, तो उस पे जो मेजर इम्पैक्ट है वो आपके पास मॉन्टेस्क्यू का है। इन्होंने कहा था मॉडरेशन, मॉडरेशन से आपके पास क्या होती है कि मिडिल क्लास जो है वो डेवलप होती है। कि मिडिल क्लास क्या होती है कि उसके ना तो रिच क्लास, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और पुअर क्लास के आपके पास अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये क्या करती है कि ये बोथ को रिप्रेजेंट करती है आपके पास। देन उसके बाद इसने बताया कि किस तरह सोसाइटीज़ में जो क्लास इंटरेस्ट हैं उनको बैलेंस आउट करना चाहिए, ताकि सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी रहे, सोसाइटी में बैलेंस रहे। देन उसके बाद इन्होंने डेंजर ऑफ फैक्शंस की बात की। यहाँ पे हमें एक एम्बिगुइटी दिखाई देती है। ये कहते हैं कि चर्च जो है वो आपके पास एक फैक्शन है, ठीक है, चर्च फैक्शन है, तो ये क्या करता है, आपकी जो यूनिटी है स्टेट की उसको डिस्टर्ब करता है। सो ये क्या करना चाहिए, जो चर्च है या जो रिलीजन है, क्योंकि नेचुरल लॉज भी क्या थे, आपके आते थे सिविल डोमेन में, तो इसको आप क्या कर दें, पर्सनल मैटर बना दें बिटवीन गॉड एंड इंडिविजुअल। सो यहाँ से इसने बुनियाद रखी सेकुलरिज्म की, और उस सेकुलरिज्म की जो कि अभी फॉलो किया जाता है इन US, के US में जो आपके पास सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है कि रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर, इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप वंस इन वंस ओन सेल्फ विद द गॉड, और इस पर सोसाइटी का कोई इशू नहीं होता। देन सेपरेशन ऑफ पावर, कि इन्होंने कहा था सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर पावर आप एक इंस्टीट्यूशन में वेस्ट कर देते हैं तो ये टिरनी की तरफ लेके जाता है आपको। देन उसके बाद इन्होंने कॉन्फेडरेशन की बात की थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की थी, और इसी वजह से जब आपके पास पोलिटिकल लिबर्टी का आइडिया आया, तो सब ने कहा कि इफ
लॉ क्या है वो सबके लिए सेम है। सो जो नेग्रोस थे या ब्लैक्स थे, उन्होंने भी डिमांड किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा बात की कि वी आर सॉर्ट ऑफ वी हैव द इक्वल राइट्स, वी हैव द इक्वल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अंडर द प्रिस्क्राइब्ड लॉ। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें इक्वल राइट्स देने चाहिए। सो इसी वजह से हम देखते हैं कि आपके पास स्लेवरी जो है उसका भी एंड हुआ, देन उसके बाद सिविल लिबर्टीज जो आई, लॉ आया, देन उसके बाद इंस्टीट्यूशन शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड जियोग्राफी। आज आप देखते हैं कि यहाँ के जो US के इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन है, या किसी भी और मुल्क के जो इंस्टीट्यूशन है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस मुल्क के इन्वायरमेंट को और उस मुल्क की नीड्स को। ठीक है, सो ये था आपके पास ऑल अबाउट मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू की जो पास पेपर CSS में आपके पास क्वेश्चन आए हैं, वो आपके पास ये क्वेश्चन है कि हिज फॉल्ट्स एंड इरेगुलरिटीज इज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसर्च। अब मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है कि इसने प्रैक्टिकल और रियल वे में, आपके रियल इस पैराडाइम में हमें बताया है कि किस तरह सेपरेशन ऑफ पावर, इम्पॉर्टेंट है जो हिस्ट्री में इंसान क्या था कि स्टेट ऑफ नेचर में आपके पास उसने लॉज को ट्रांसग्रेस किया था। ठीक है, फिर उसने डिफरेंट आपके पास हिस्ट्रीज में उसने कहा कि जहाँ जहाँ पे आपके पास इश्यूज और मसले थे उनको काउंटर करने के लिए क्या किए गए, लॉज बनाए गए आपके पास। यानी ये सारा आप इसमें आपने बताना है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया, लॉज का आइडिया। सो ये क्या है कि इसने हिस्ट्री में, इसने कहा कि हिस्ट्री ये नहीं है कि आप बस पढ़ के उसको डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, हिस्ट्री से आप क्या ले सकते हैं, एस्पायरेशन ले सकते हैं। और दूसरा, इसका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया है कि उसमें भी इसने डिफरेंट गवर्नमेंट्स को पढ़ा, उन पर रिसर्च की, उन्हें बताया कि ये फॉर्म में जैसे रिपब्लिकनिज्म था, डेमोक्रेसी थी, उसमें आपके पास ये आइडिया जो है वो सुप्रीम है, उसमें ये आइडिया आपके पास सुप्रीम है। सो इसी तरह इसकी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी, उसमें ये सारा आप लिखेंगे। दूसरा, आज 2013 और 20 में आपके पास जो क्वेश्चन आया था कि टोटल ऑफ 18th सेंचुरी, तो उसमें आप डिस्कस करेंगे वही सारा कि किस तरह एरिस्टोटल ने भी इंडिविजुअल पे एम्फेसिस दिया था, एरिस्टोटल ने लॉज की बात की थी, रूल ऑफ लॉ की बात की थी, देन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की थी, एजुकेशन की बात की थी, देन उसके बाद एरिस्टोटल ने आपके पास बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर की, कि उसने कहा था कि जो एथेनियन वहाँ पे सिटी स्टेट्स थी उनकी करप्शन की वजह ये थी कि वो सारी पावर एक सिंगल बॉडी में वेस्ट की हुई थी। तो आप क्या करें, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो पावर है उसको सेपरेट कर दें। सो दैट इज़ वाई ही हैज़ बीन कॉल्ड एज एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और इसी सिलसिले में हम मज़ीद जो है अपनी वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी, एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच।